नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इमरजेंसी लाइट के बारे में। एक इसका वर्किंग क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट पाया जाता है, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, हमारा एक यूट्यूब चैनल है इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल, उस पर विजिट करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में आप नॉलेज ले सकते हैं। बहुत सारा उस पर वीडियो अपलोड पड़ा हुआ है, उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग इमरजेंसी लाइट का रिपेयरिंग के बारे में जानेंगे, उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, ख़राब होगा तो उसको क्या करेंगे, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो जैसे ये चार्जिंग सॉकेट हुआ, बैटरी हुआ, डायोड हुआ, सेमीकंडक्टर डायोड है, ये रजिस्टर है, एलईडी बल्ब है, रोटरी स्विच है और चार्जिंग बल्ब है। ये सभी कंपोनेंट किसी भी इमरजेंसी लाइट होगा उसमें कम से कम इतना कंपोनेंट होना ज़रूरी है, उतना कंपोनेंट होता है। इसके अलावा और भी क्या है कि ये जो डायोड है और ये रजिस्टर है, किसी किसी जो अभी नया जो सर्किट बोर्ड आ रहा है, नया जो इमरजेंसी लाइट आ रहा है, जो थोड़ा महंगा वाला होता है, उसको पीसीबी के ऊपर इसको माउंट किया रहता है, और जो सस्ता वाला होता है उसको वायर में कनेक्ट किया हुआ रहता है। बस ये अंतर यही होता है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। और क्या है कि अब इसका वर्किंग क्या होता है वो जानते हैं। तो ये सॉकेट है, इसमें डीसी वोल्ट, ये जो इसको सॉकेट में जब पिन लगाते हैं तो ये डीसी वोल्ट है, डीसी वोल्ट आउटपुट करता है, और ये 5 वोल्ट आउटपुट करता है। क्योंकि जो भी चार्जर होता है जनरली, वो जो मोबाइल का चार्जर होता है या इमरजेंसी लाइट का जो चार्जर सो होता है, वो 5 या 5.5 या 5.75 के आसपास में वोल्ट आउटपुट करता है। तो ये 5 वोल्ट आउटपुट करेगा, लेकिन ये बल्ब जो है वो 0 वोल्ट का बल्ब है, मतलब 0.15, 0.23, 0.25 इस तरह का ये 0 वोल्ट का बल्ब होता है। तो अगर इसको डायरेक्ट पावर दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए ये रजिस्टर लगा होता है, रजिस्टर के थ्रू इसको पावर दिया जाता है, तो ये बल्ब फ्यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है। सबसे पहले इसका वायरिंग जानते हैं। वायरिंग क्या है कि ये जो माइनस है और ये प्लस है, तो जो भी सॉकेट होता है, जो इस तरह का गोल पिन वाला जो सॉकेट होता है, उसमें साइड वाला जो पिन होता है वो माइनस होता है, और ये इसके पीछे वाला जो पिन होता है वो प्लस होता है। और दूसरा है, ये जो बल्ब होता है इसमें 2 लेग होता है, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। जो बड़ा वाला लेग होगा वो प्लस होगा, जो छोटा वाला लेग होगा वो माइनस होगा। अभी क्या है, कहीं ये एलईडी लाइट है, ये डीआईपी एलईडी लाइट है। किसी किसी अभी जो नॉर्मल जो इमरजेंसी लाइट आता है, जो महंगा वाला होता है, उसमें एसएमडी लाइट होता है। जो सस्ता वाला होता है उसमें ये वाला एलईडी लाइट होता है, मतलब डीआईपी वाला एलईडी लाइट होता है। तो अब चलिए जानते हैं, ये जो माइनस है इसका वायरिंग जानते हैं। ये जो माइनस है वो माइनस का कनेक्शन ये एलईडी बल्ब के सभी माइनस से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ तक सभी माइनस को माइनस वाले पिन से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद अब बच गया प्लस। तो प्लस को कनेक्ट करने के लिए एक रजिस्टर के थ्रू, ये जो रजिस्टर है इसके थ्रू कनेक्ट करते हैं। यहाँ से रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट हो गया, और यहीं से ये जो प्लस है इसको, ये तो चार्जिंग बल्ब हो गया, जब चार्ज में लगाएंगे तो ये शो करेगा, उसमें कनेक्शन हो गया। अब इस सब के कनेक्शन के लिए यहाँ से प्लस पॉइंट से लेकर रोटरी स्विच में डालते हैं। अब रोटरी स्विच क्या होता है, जो स्विच राउंड घूमने के बाद ऑन ऑफ होता है उसको रोटरी स्विच बोला जाता है। तो इसलिए राउंड घूमने के बाद ऑन ऑफ होता है, इसलिए यह रोटरी स्विच है। तो इसमें 2 पिन होता है, कोई भी पिन में कोई इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, यह सीरीज में लगा होता है। इसलिए इसमें प्लस को कनेक्ट करेंगे और आउटपुट से ये जो एलईडी बल्ब है उस सभी को बारी बारी से कनेक्ट कर देंगे। और इस तरह जब रोटरी स्विच को ऑन करेंगे तो ये बल्ब ऑन होगा, ऑफ़ करेंगे तो बल्ब ऑफ होगा, इस तरह वर्क करता है। दूसरा है, इसमें जो जेनर डायोड लगा हुआ है, वो जेनर डायोड इसलिए लगा हुआ है, अब क्या है कि देखिए, इससे माइनस बैटरी को माइनस और प्लस दे देंगे तो बैटरी चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा, चार्ज करने लगेगा। लेकिन जेनर डायोड लगाते हैं इसलिए कि बाद में जब चार्जिंग सॉकेट से जब इसको निकालेंगे तो ये जो क्या है कि ये जो चार्ज है, ये जो पावर है, वो बाद में फिर दोबारा सॉकेट में बैक ना हो, रिटर्निंग नहीं हो, उसके लिए
ये डायोड लगा होता है, ये जेनर डायोड नहीं है, सेमीकंडक्टर डायोड है, रेक्टिफायर डायोड है, जनरल डायोड है, तो ये डायोड लगा होता है। इसमें क्या है, ये प्लस से आउटपुट हो जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ आउटपुट होगा, लेकिन माइनस से प्लस की तरफ ये आउटपुट नहीं होगा, इसलिए यहाँ से ये पावर को बैक जाने से रोक देता है। अब क्या है, ये तो इसका वर्किंग के बारे में जान गया। अब अगर इमरजेंसी लाइट ख़राब होता है तो उसमें क्या क्या गड़बड़ी हो सकता है, तो वो डेड हो सकता है, मतलब चार्जिंग सॉकेट में लगाए तो चार्ज नहीं उठा रहा है, या डेड हो गया है, मतलब कि कुछ काम ही नहीं कर रहा है, कोई भी चार्ज में लगाते हैं तो भी बल्ब नहीं जल रहा है, चार्ज में निकालने के बाद में जो रोटर स्विच से ऑन ऑफ कर रहे हैं तो भी काम नहीं कर रहा है। तो उसमें क्या है कि अगर इसमें जो कोई ये रजिस्टर ख़राब हो गया तो पावर आगे नहीं जाएगा, तो क्या है कि ये चार्जिंग तो उठाएगा, ये जब चार्जिंग सॉकेट में लगाएंगे तो चार्ज उठाएगा, लेकिन ये बैटरी को खोल के चेक करेंगे तो बैटरी चार्ज बताएगा कि हाँ बैटरी चार्ज हो रहा है या बैटरी फुल चार्ज है, लेकिन ये बल्ब जलेगा नहीं, तो ये रजिस्टर को चेंज कर देंगे या शॉर्ट कर देंगे, तो शॉर्ट कर देंगे तो ये ज़्यादा पूरा पावर आएगा और ये फ्यूज हो जाएगा बल्ब। यहाँ पे जितना ओम का रजिस्टर होगा उतना ओम का रजिस्टर लगा देंगे तो ये सही वर्क करने लगेगा। दूसरा है कि अगर ये चार्ज है और यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ करने पर कभी जल रहा है कभी नहीं जल रहा है, तो कभी जल रहा है कभी नहीं जल रहा है इसका मतलब है कि ये जो स्विच है वह स्विच ख़राब है, तो ये रोटरी स्विच को बदल देंगे तो ये उसका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। दूसरा है, ये रोटरी स्विच है, ये एक तरह का वेरिएस्टर होता है, मतलब ये एक तरह का रजिस्टर है, जो इसमें क्या है कि जिस तरह इसका जो जब इसको ऑन करते हैं मतलब राउंड में घुमाते हैं तो इसका जो ओम का जो रेंज है वो कम और ज़्यादा होता है, इस तरह इसमें सर्किट में आगे कम और ज़्यादा पावर जाता है, मतलब जितना बार घुमाएंगे उतना बार ज़्यादा पावर, उतना ज़्यादा ज़्यादा पावर बढ़ने, मतलब फर्स्ट बार में थोड़ा कम पावर, उसके बाद थोड़ा कम पावर, उसके बाद थोड़ा कम पावर, या फर्स्ट बार में ज़्यादा पावर उसके बाद थोड़ा कम पावर उसके बाद थोड़ा कम पावर, इस तरह भी हो सकता है। तो इस तरह वर्क करता है, जितने बार घुमाते हैं उस तरह, दो तीन बार घुमाने के बाद लास्ट जितना भी मतलब ये जो पावर है इससे बैटरी से जो आउटपुट जो पावर है वो पूरा से पूरा पावर शो करता है और लास्ट हाई जो रेंज देता है, मतलब हाई से हाई जो उसका जो लाइट होता है वो होता है, मतलब ये उजाला देता है, इस तरह ये वर्क करता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मेरा एक यूट्यूब चैनल है इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल, उस पर जाकर विजिट कर सकते हैं, उस पर भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल से वीडियो डाला हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।